जिले के मैहर तहसील में विराजी मां शारदा मंदिर में विगत लंबे समय से निशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहां दूर दराज से आने वालों को प्रसाद वितरित किया जाता है, जहां भंडारे में मां शारदा के भक्त भी आकर भंडारे का आयोजन करते हैं। इसके लिए एक शुल्क भी निर्धारित की गई है। शुल्क जमा करने के बाद भंडारे का आयोजन करने वालों के नाम से प्रसाद वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि मां शारदा की नगरी मैहर धाम में संचालित मां शारदा अन्नकूट प्रसादालय में देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन मां शारदा के आशीर्वाद से कराने का काम चल रहा है। संचालक ने बताया कि प्रतिदिन श्रद्धालुओं के आशीर्वाद से ही भोजन करवा रहे हैं। ये भी बताया कि मां शारदा अन्नकूट प्रसादालय में अगर किसी को भी मैहर में भंडारे का आयोजन कराना हो तो यहां 15,000 रुपए की अनुदान राशि की रसीद कटती है, और उस दिन जिस व्यक्ति के नाम से रसीद काटी जाती है अगले दिन सुबह उसी व्यक्ति के नाम से भंडारे का आयोजन किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं मां शारदा अन्नकूट प्रसादालय के प्रबंधन ने इस बारे में क्या जानकारी दी है। सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। सनातन धर्म की सच्चे द्वार की हर हर मारे आप समझ सकते हैं जहाँ जैसे पार्वती हो चुकी है माँ शारदा अन्नकूट माता जी की कृपा से चलता है। यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ, और यह 365 दिन रेगुलर चलता है। डोनेशन दान दाताओं के द्वारा ही संचालित किया जाता है। जिस दिन कोई दान नहीं दिया उस दिन 10 रुपये का कूपन काटा जाता है और भरपेट भोजन यात्रियों को रोटी और पूरी, चावल दाल सब्जी हलवा ये सब मेनू खिलाया जाता है और भरपेट भोजन किया जाता है। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक संचालित रहता है और 365 दिन रेगुलर ही चलता है। और मंथ एक माह में कम से कम 24 दिन यात्रियों के द्वारा संचालित किया जाता है। जो यात्री डोनेशन देते हैं उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। और कूपन मेरे ख्याल से एक माह में 5 या 6 दिन ही कूपन हमारे यहाँ 10 रुपये कटता है, बाकी 2400 दिन निःशुल्क सेवा दी जाती है और यात्रियों को भरपेट भोजन कराया जाता है।